मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संघीय कार्यपालिका का। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमने चर्चा की प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रपति की, और इसके साथ ही कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की प्रधानमंत्री की। इसके साथ ही राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन वो अपने विवेक के आधार पर क्या है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति में, राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कुछ कई बार विवेक का इस्तेमाल भी करता है। हम देखते हैं कि जब राज्यसभा और लोकसभा में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करता है कि वो अपना बहुमत साबित करे, और बहुमत साबित अगर वो कर देता है तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, या फिर इसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देता है। और प्रधानमंत्री की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रधानमंत्री है उसके महत्वपूर्ण जो कार्य है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जो अपने मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो किस पे निर्भर करता है, यानी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए और ये किस पे निर्भर करती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार है वो इतनी संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मंत्रिपरिषद का आकार। आकार का मतलब होता है संख्या से, यानी जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार कितना होता है, उसमें सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 91 वा जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, उसके आधार पे क्या है कि मंत्रिपरिषद की संख्या तय की गई थी। तो ध्यान रखना कि 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था। क्वेश्चन भी बन सकता है ये कि 91वां संवैधानिक संशोधन है वो कब हुआ था, तो ध्यान रखना 2003 में ये संवैधानिक संशोधन किया गया था। किससे संबंधित था, ये मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित था। किससे संबंधित था, मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित, इसमें प्रमुख प्रावधान नियम बनाए गए थे। बात आती है कि जो ये 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था इसको राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी, अपनी अनुमति का प्रदान की। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा इस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी व अनुमति 2004 में का प्रदान की गई। 2004 में राष्ट्रपति के द्वारा इस 91वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई, और ये पारित कब किया गया, 2003 में इसको पारित किया गया, और 2004 में राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक को प्रमुख रूप से अनुमति मिल गई, समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति का हो गया। बात आती है कि मंत्रियों की कुल संख्या, अब जो ये संवैधानिक संशोधन हुआ था इसमें क्या तय किया गया, इसमें जो मंत्रियों की कुल संख्या है उस संख्या का निर्धारण किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, इसकी संख्या कितनी होगी और कितनी होनी चाहिए और कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये प्रमुखता इसमें प्रावधान किए गए थे। तो बात आती है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या। वर्तमान समय में जो अपनी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 545 है, और इसी 545 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो तय किया गया है। तो ध्यान रखना दो बातें प्रमुख रूप से कि 91वां संवैधानिक संशोधन था वो क्या था, प्रमुख रूप से मंत्रियों की जो संख्या है वो तय की गई थी, किसके आधार पे, किस विषय को ध्यान में रखते हुए ये तय की गई थी। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, 545, इसके आधार पे मंत्रिपरिषद का जो आकार तय किया गया था। अब जो लोकसभा कुल सदस्य संख्या है इसमें भी एक फैक्ट डाल दिया गया कि 15% से अधिक सदस्य नहीं, यानी लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, कुल जो सदस्य है
उसका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। यानी जो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा की 545 से, उसका जो 15% होगा उससे अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक होती है तो इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा। तो ध्यान रखना कि कानून संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी कब मिली थी, 2004 में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी, अपना समर्थन प्रदान कर दिया। ये प्रमुख रूप से किससे संबंधित था, मंत्रियों के आकार से, मंत्रियों की संख्या से। और ये संख्या किस आधार पर तय की गई थी, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके आधार पर इसको तय किया गया था। उसमें भी एक फैक्ट डाल दिया गया कि 15% से अधिक लोकसभा की जो सीटें हैं उससे अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं होने चाहिए। बात आती है आगे कि वर्तमान में केंद्र के मंत्रियों की संख्या कितनी है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार वर्तमान समय में जो संख्या बताई गई है वो 78 बताई गई है। हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है वो कितनी बताई गई है, 78 बताई गई है। लेकिन हम देखते हैं कि इस मंत्रिपरिषद की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, समय समय में बदलाव होते रहते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये संख्या है ये स्थायी संख्या नहीं है। इसमें समय के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर, स्थितियों के आधार पर इस संख्या में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन 15% से अधिक ये नहीं होगी लोकसभा के। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो सीटें हैं इसकी 57 सीटें बताई गई है। मंत्रिपरिषद की कुल सीटें जो बताई गई है वर्तमान में 57 सीटें बताई गई है। इसमें परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रखना ये भी स्थायी संख्या नहीं है, इसलिए अपडेट रहना इसके साथ जरूरी है कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी है। बस कुछ बातें जो इसमें क्लियर है कि लोकसभा है उसकी 15% से अधिक नहीं होगी। और इसके साथ ही ये प्रमुख रूप से क्या है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसको राष्ट्रपति के द्वारा इसको पारित मंजूरी कब दी गई, 2004 में। और ये कानून संवैधानिक संशोधन है ये कब पारित किया गया, 2003 में। अब आगे बात करते हैं हमें कार्यकाल की। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। एक सबसे प्रमुख इसमें बात बताई गई है कि जो मंत्री है वो सभी मंत्री क्या है कि किसके प्रसाद पर्यंत, यानी किसकी इच्छा पे, किसके स्थायित्व पे प्रमुख रूप से क्या है इनका कार्यकाल बना रहता है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल रहता है, और उसके बाद में उसके कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाता है, उनके कार्यकाल को पूर्ण कर दिया जाता है। बात आती है आगे मंत्रिपरिषद और लोकसभा कार्यकाल समान। ध्यान रखना कि जो लोकसभा कार्यकाल है वही कार्यकाल क्या है मंत्रिपरिषद का होता है, इसलिए दोनों का जो कार्यकाल है चाहे वो मंत्रिपरिषद हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों का कार्यकाल है वो भारतीय संविधान के अनुसार समान बताया गया है। दोनों में किसी प्रकार का कार्यकाल से संबंध किसी प्रकार का भी भेदभाव या अंतर देखने को नहीं मिलता। बात आती है कार्यकाल का समय 5 वर्ष का। अब ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद है और जो लोकसभा है इन दोनों का कार्यकाल निश्चित किया गया है, कितने समय के लिए, 5 वर्ष तक है वो दोनों का कार्यकाल है वो बना रहेगा। लेकिन इसमें एक बात ऊपर फैक्ट भी डाला हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही इनका अस्तित्व है ये बना रह सकता है, उसके बाद में इनका अस्तित्व समाप्त भी किया जा सकता है। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, लोकसभा से नाम आया तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। किसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी समाप्त कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। और अब तक ऐसा 9 बार हो चुका है कि लोकसभा को भंग किया जा चुका है। बात आती है पद की शपथ की। जब प्रधानमंत्री को जब बना दिया जाता है, मंत्रियों की जब नियुक्ति कर दी जाती है तो सबसे पहले इनको जब नियुक्ति मिल जाती है तो इनको प्रमुख रूप से शपथ लेनी होती है। शपथ यानी कि जिस पद से ये जुड़ रहे हैं उस पद से संबंधित इनको शपथ दिलाई जाती है, इनको क्या है कि इनसे प्रतिज्ञा करवाई जाती है। बात आती है प्रधानमंत्री व मंत्रियों को शपथ। बात आती है कि जो प्रधानमंत्री है और जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसके जो सदस्य हैं उनको शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री
और उसके मंत्रियों को शपथ है वो दिलाई जाती है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कितनी शपथ दिलाई जाती है, तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है प्रमुख रूप से दो शपथ है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ है दो शपथें दिलाई जाती है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दो प्रकार की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अब ये दो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कौन कौन सी दिलाई जाती है, ध्यान रखना पहली जो शपथ है वो होती है पद के प्रति निष्ठा व ईमानदारी की, यानी जिस पद के लिए उनको दायित्व मिला है, जिस पद की उनको जिम्मेदारी मिली है उस पद की प्रमुख रूप से क्या है, निष्ठा व ईमानदारी, यानी वो ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और अपने कर्तव्य से किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे और अपने पद का पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ और कर्तव्य के साथ पालन करेंगे और अपने पद का किसी भी पारिवारिक सदस्य के लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो पहली शपथ है उनको कि वह अपने पद का सही तरीके से उपयोग करेंगे और ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाएंगे जो उनको पद और दायित्व मिला है। दूसरी शपथ आती है गोपनीयता की, यानी जो मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री की द्वारा जो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, जो आपस में विचार विमर्श किए जाते हैं, उन विचार विमर्श को और निर्णयों को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा प्रमुखतः क्या है कि उनमें गोपनीयता रखी जाएगी। यानी वह जो मीटिंग में निर्णय लिया गया, मीटिंग में जो बात हुई है, उन बातों के बारे में अन्य किसी व्यक्ति विशेष को या अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की वो जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये राष्ट्र से संबंधित है, ये देश से संबंधित है, तो उनको समय से पूर्व किसी को भी बताना अनुचित होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के समक्ष जो प्रधानमंत्री है और जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा दो प्रमुख रूप से शपथ ली जाती है, पहली ईमानदारी और निष्ठा की और दूसरी गोपनीयता की। ये दोनों जो शपथ दिलाई जाती है इन दोनों शपथों का प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके मंत्रियों के द्वारा पूर्णतः ईमानदार से पालन करना जरूरी है और जो भी बातें मीटिंग में होती है, जो सभाओं में होती है या प्रमुख रूप से जो गोपनीय बातें होती है इसकी जानकारी न तो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष को देगा और न ही उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा किसी को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। बात आती है प्रधानमंत्री की भूमिका और उत्तरदायित्व। जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो उसकी जो भूमिका है वो किस प्रकार की रहती है, क्या उसके दायित्व होते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मंत्रिपरिषद और लोकसभा का नेता। जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रमुख रूप से किसका नेता होता है, प्रधानमंत्री है वो हमारे संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख लीडर माना गया है, जो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है और हर कार्य हर दायित्व में वो राष्ट्रपति की परामर्श देता है, उसकी सहायता करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा का नेता, अब प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और जो लोकसभा है उसका नेता होता है, नेता यानी लीडर होता है और उसके समस्त कार्य है वो प्रमुख रूप से क्या है कि प्रधानमंत्री की परामर्श से, प्रधानमंत्री की सहायता से ही सारे कार्य किए जाते हैं और सरकार का मुख्य वक्ता भी यही होता है। विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों को जब कार्यक्रम होते हैं तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है, भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बात आती है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संचार का माध्यम। अब प्रधानमंत्री है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका और रहती है, वो रहती है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है उन दोनों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी सूचनाएं हैं वो मंत्रियों की तो किसके पास पहुंचाना, राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति की जो सूचनाएं हैं वो किसके पास पहुंचाना, मंत्रियों के पास में। इस प्रकार हम कहा जाए तो ये दो प्रमुख रूप से क्या है कि संचार यानी एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री। बात आती है मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद उसमें क्या निर्णय लिए गए,
किस विषयों पर बातचीत की गई, कौन से विषयों पर बहस की गई, उस विषयों के बारे में प्रमुख रूप से क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को अवगत कराता है, राष्ट्रपति को इसके बारे में प्रमुखता सूचना देता है। बात आती है विभागों का बंटवारा करना। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद में उसका प्रमुख कार्य, प्रमुख दायित्व होता है अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करना, अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करनी। तो बात आती है साथी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, यानी साथी मंत्रियों को उसने जो चुना है, चुनने के बाद में उनको कौन कौन से विभाग देने हैं, कौन कौन से दायित्व देने हैं, इसकी जिम्मेदारी भी प्रमुख रूप से किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाता है, मंत्रियों को उसके कार्य का विभाजन भी किया जाता है। बात आती है मंत्रालय और विभागों के बीच काम का समन्वय। अब जो मंत्रालय है विभिन्न प्रकार के जो दिए गए हैं और उनके साथ जो जो विभाग है, उन विभागों और मंत्रालय के बीच में एक प्रकार से एक मध्यस्थ की, एक कड़ी की जो भूमिका है वो भी क्या है, प्रधानमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री है वो महत्वपूर्ण कार्य है वो मंत्रिपरिषद के गठन के रूप में करता है और उसकी नियुक्ति करता है, उसके विभागों को बंटवारा करता है, और एक प्रकार से राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार का प्रमुख साधन या माध्यम भी कहा जाए तो प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है।